वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, आपको जो गिवन दिया है प्रश्न में, ये हिंदी मीडियम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि 3 sin A + 4 cos A बराबर इक्वल टू 5, तो sin A का मान ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम में इफ इतना इजकल टू इतना, मतलब 3 sin A + 4 cos A = 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A। अच्छा, तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया है, गिवन में जो दिया है ना वो अपने लोग उतारेंगे, क्योंकि इसी से अपने लोग का कुछ काम बन सकता है। ये जो देख रहे हो ना, आपको गुलाने लगा ना, आपको समझाने के लिए इसको आप सबसे पहले क्या करो, उतारो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो, अगर हिंदी मीडियम से है तो लिख दीजिए प्रश्न से, इंग्लिश मीडियम से है तो लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या गिवन, हिंदी से है तो लिख दीजिए प्रश्न से। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे करके उतार दो। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे ये वाला, अब यहाँ पे बराबर का साइन लगा दो। देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th में भी है, 7th में भी, 8th में भी है, इक्वेशन है। क्या करते हैं इक्वेशन में, जिसका वैल्यू निकालने का रहता है वो या तो बराबर के इधर कर देते हैं, या तो बराबर के इधर कर देते हैं, या तो दायां हाथ की तरफ कर देते हैं, या तो बायां हाथ की तरफ कर देते हैं, यानी कि RHS या LHS करते हैं ना। किसी का जो वैल्यू निकालते हैं, या तो जिसका वैल्यू निकालते हैं, सपोज कीजिए एक्स का निकालते हैं, ज़्यादातर एक्स का निकाला जाता है, तो या तो उसको इससे रखते हैं बराबर के, या तो इससे रखते हैं। तो आपको किसका वैल्यू निकालता है, इस निकालना है इसमें sin A का। तो आप क्या करो, एक जगह कर दो, या तो इधर रहने दो या तो इधर कर दो, बात समझ रहे ना। तो आप मान लीजिए कोई कोई एक तरफ कर दो, ठीक है, या तो 5 को इधर बुला लो, इसको इधर कर दो, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर सकते हो। क्लियर, तो आप क्या करो, मान लो हमने इसे किया 4 cos A किया, अच्छा, फिर 5, अब पे प्लस जो यहाँ पे है बराबर के उधर चला गया, तो क्या हो गया, माइनस हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, आपने यहाँ पे जो किया वो लिख दीजिए, पंचांतरण हिंदी मीडियम से है तो पंचांतरण या स्थानांतरण, और इंग्लिश मीडियम से है तो शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन। शिफ्टिंग, SHIFTING, शिफ्टिंग मतलब दायां से बायां, ये था ना आपका बराबर, तो बराबर के उधर या इधर कोई कोई चीज़ आता है तो साइन में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन, चेंजेस आ जाता है, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो है 4 cos A आपको आपने इधर रख दिया, फिर बराबर तो बराबर कर दिया, फिर 5 है तो 5 कर दिया, प्लस है ये बराबर है ना, यहाँ पे कलम को बराबर मान लो, तो ये आप इसको इधर कर दिए, तो क्या दिया, आप साइन चेंज कर दिए। ठीक है, फिर कोई स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, 3 sin A को इधर रहने देगा, और 5 और इसको तरपा देगा, तो कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर अगर आप फार्मूला लगा सकते हो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से आप यहाँ पे फार्मूला लगाओगे तो आप कॉम्प्लेक्स में चले जाओगे, यानी कि भारीपन आ जाएगा, आप उजरा जाओगे, नेटवर्क में फंस जाओगे, जाल में फंस जाओगे। क्यों, क्योंकि 4 cos का फार्मूला कितना ऐसे करके लगा देगा। देखो, तो ये तो फार्मूला गलत ना आपने लगा दिए, 1 - sin² ये तो कोस स्क्वायर होता है, लेकिन स्क्वायर तो यहाँ पे है नहीं, तो ये फार्मूला लगेगा नहीं। अगर मान लीजिए कोई फार्मूला आपने लगा भी दिया तो थोड़ा तो गड़बड़ टाइप का हो जाएगा, तो कुछ बनेगा नहीं। आप मतलब जाइएगा थोड़ी दूर तक, उसके बाद फिर आपको मतलब कन्फ्यूज कर जाइएगा। तो सस्ता सुविधा में क्या है, आप सस्ता सुविधा इसको कैसे बनाइएगा, आप अगर चाहते हो कि ये फार्मूला हम लगाएं तो आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो या बोथ साइड स्क्वायरिंग, कुछ भी कर सकते हो आप, आपका अपना मर्जी है। हिंदी मीडियम में दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों ओर वर्ग कीजिए, दोनों वर्ग करेंगे तो क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर तो कट ही जाएगा। ये मैं पूरा अच्छा तरीका से कवर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो सब में। तो आपसे विनम्र अनुरोध है, हम्बली रिक्वेस्ट है, कि अगर अच्छा से आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़िए, और प्ले लिस्ट में जाके और भी वीडियो सब देखिए, तो आपको क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। क्लियर, तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये x बराबर y है, तो आप x बराबर इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करिएगा, कुछ भी, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
मान लो इधर आपने पाँच जोड़ा तो इधर भी आपको पाँच ही जोड़ना पड़ेगा, तब ना कट गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। इधर स्क्वायर है तो इधर भी आपको क्या रखना पड़ेगा, स्क्वायर, तब ना कट गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस दोनों में कुछ भी छेड़छाड़ करो ना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि बैलेंस रहना चाहिए, बैलेंसिंग रहना चाहिए, बराबर में इधर जितना वो उतना इधर के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए दोनों स्क्वायर करते तब ना ये स्क्वायर स्क्वायर कर गया तो ऊपर आ गया। अब आपने क्या किया, स्क्वायर किया तो आप डब्बा को भर दीजिए चार को से, इसी का ना किया। अच्छा फिर इसको आप उतार दीजिए, अच्छा ये आप ऐसे करके उतार दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे, बराबर करेंगे, चार कोसे को दो बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, सोलह कोसे स्क्वायर हो जाएगा, सोलह कोसे स्क्वायर हो जाएगा। अब कैसे किया मैंने इसको, चार कोसे था ठीक है, कितना बार लिखा, दो बार लिखा, तो दो बार तो ये एक बार और ये यहाँ एक सेकेंड, ये एक बार और ये दो बार। तो अंक को क्या करो, एक जगह करो, और जो मतलब एक जैसा जो लगता है ना सकल सूरत उसको एक जगह करो, और इसका सकल सूरत वाले को एक जगह करो। तो चार चौक सोलह हो गया, यानी कि फोर फोर जार सिक्सटीन इंटू गुना में पावर जुड़ता है, जुड़ता है ना, एक का पावर एम और एक का पावर एन, तो दो को एक रंग है मुकान देखने में, सकल सूरत एक रंग है, एक को दे देंगे गुना में पावर जुटेगा एम जुड़ा एन। उसी तरह कोसे कोसे तो कोसे हो जाएगा, एक ये कितना हो जाएगा दो, तो हो गया ना कोसे उसका, ये इस हिसाब से ये दे दीजिए। अच्छा यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर करेंगे ठीक है। अच्छा हुआ ना चार चौक सोलह कोशिश करिए। अब यहाँ पे जो ये जो है इसका जो शकल है किसके जैसा लग रहा है, ए माइनस बी का हर स्क्वायर जैसा लग रहा है, लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करो, आप कौन सा फॉर्मूला पे सेट करो, कौन सा आइडेंटिटी पे सेट करो, वो उसको ऐसे करके उतार दो ठीक है। इस तरीका से आप उतार दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। आप उल्टा उल्टा भी कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर भी कर सकते हो। तो इसको आप इस पर सेट करो, ए है यहाँ पे बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का जगह पर देखिए पाँच है, बी का जगह पर ये थ्री साइन ए है, तो इसको इससे देख सा मार्कर सेटिंग करो तो पाँच स्क्वायर कर दो। क्योंकि देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पे पाँच है तो पाँच स्क्वायर नहीं होगा, प्लस तो प्लस है, बी स्क्वायर तो तीन साइन ए कर दो। अच्छा ये कर दो, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो आप यहाँ भी स्क्वायर कर दो। फिर देखो फार्मूला में माइनस है, देखिए माइनस के ऊपर आ क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी माइनस है, मतलब इसको देख सा मार के आप इसको सेटिंग कर दो ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दो, यहाँ पे हमको जगह नहीं है, हम यहाँ पे बना रहे हैं टू। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, देखिए क्या होता है एक सेकेंड, क्या होता है ये टू ए भी होता है ना, तो गुना गुना है ठीक है। तो अपने लोग क्या करते हैं गुना गुना, ऐसे लिखो चिपका डालते हैं, ये एक्स वाई है इसको ऐसे लिखो बात बराबर हुआ ठीक है। टू ए यानी कि इनटू, अच्छा ए टू ए ए का जगह पे यहाँ पे ए यहाँ पे ए, तो यहाँ पे पाँच ए का जगह पर, तो यहाँ पे क्या देंगे पाँच ठीक है। और इनटू बी, तो बी का जगह पर यहाँ पे बी ए है, तो यहाँ पे बी का जगह पर क्या है थ्री साइन ए है, इसको आपने क्या माना था बी माना था ना, इसको ए माना था। आपको ऐसे करके नहीं देना, आप समझाने के लिए दे रहे हैं, कंपेयर करें ना समझाने के लिए दे रहे हैं, आपको इतना घस के ऐसे नहीं देना है, ये वाला नहीं देना है, इसको आपको ऐसे नहीं देना है ठीक है। अच्छा बी यानी कि ये वाला ऐसे करके बी और ए नहीं देना है, मने में करना है अंदाजिए ठीक है, हमको आपको समझाना है तो इसलिए मैंने ऐसे कर रहा हूँ ठीक है। थ्री सैन ए, अच्छा फिर यहाँ पे क्या करो, बराबर दो यहाँ पे ऐसे करके उतार दो, सोलह कोशिश कह रहे अच्छा बराबर पाँच को तो वाले के तो क्या हो गया पच्चीस हो गया ठीक है। अब फिर देखिए इधर भी वही डायलॉग, यहाँ पे मैंने चार कोस ए को दो बार लिखा तो मैंने समझा दिया था ना ठीक है, वही यहाँ पे अप्लाई करोगे, तीन साइन ए को दो बार लिखोगे तो तीन तीन नौ साइन स्क्वायर, सेम टू सेम डिटो फोटो स्टेट जो मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे बताया था वही को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अच्छा साइन स्क्वायर माइनस तो माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दो पंच दस और तिया तीस, तीस साइन हो जाएगा, तीस साइन हो जाएगा, हो गया ही। कैसे किया मैंने, मैंने सबसे पहले क्या किया क्वेश्चन को उतार दिया ठीक है, क्वेश्चन को उतार दिया, फिर मैंने बोला कि सोचा मन में और साइनी को मैंने बोला साइनी का मान निकालना है, तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो जिसका मान निकालना है या तो मैं इधर करूँगा इधर इधर या तो इधर करूँगा। तो मैंने क्या किया चार के कोसे को इधर कर दिया,
यानी कि आपके हाथ में अठन्नी चौवन्नी है, इसमें हाथ में भी अठन्नी चौवन्नी है, इसमें भी अठन्नी चौवन्नी है। आप क्या किए, अठन्नी चौवन यानी कि 25 पैसा और मतलब 50 पैसा, तो 25 पैसा को एक हाथ में कर दिया, 50 पैसा को एक हाथ में कर दिया। ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया। तो जिसका मैंने मान निकालना है वो 5 और प्लस इधर कर दिया, तो देखो एक जगह हो गया, इसका एक जगह हो गया, एक एक जगह कर दिया। फिर मैंने सोचा यहाँ पे अगर फार्मूला सब लगाएंगे तो मैं फंस जाऊंगा बाद में जाके, ठीक है, मतलब अपना ही जा बुना हुआ जाल में फंस जाऊंगा, नेटवर्क में उजरा जाऊंगा जाल में। तो मैंने क्या किया, हमने स्क्वायर किया, ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर किया। अब मैंने दोनों साइड स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए। फिर मैंने इसको तोड़ के ये वाला दिया बराबर, तो बराबर ये हमको लगा 5 है, ये हमको लगा, फॉर्मूला तो बहुत है दुनिया में, लेकिन हमको इसका सेटिंग इसके साथ करना था। देखने में भी हमको लगा इसके जैसा, ए माने बी का होल स्क्वायर, 3 sin a को मैंने बी माना और 5 को ए माना, तो ए माने बी का होल स्क्वायर, इसको से मैंने सेटिंग किया तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको मैंने जिसका तस उतार दिया वहीं का वहीं, बराबर था बराबर दिया, 5 को दोबारा तो 25 दे दिया, जोर तो जोर, इसको मैंने तोड़ा दोबारा लिखा तो 3 9 sin a² दे दिया, माइनस माइनस दे दिया, 2 5 10 दिया, 30 sin a दे दिया। चलिए अच्छा, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, बराबर देना है, फिर इसको ऐसे करके उतार देना है 16 cos². आप एक काम करना बाबू लोग, कि ये जो बराबर है ना, ये जो मैंने इस 4 cos a को मैंने यहाँ पे उतारा ना, आप लोग क्या करना, ये वाला को इधर रहना देना, ठीक है, ये वाला को इधर रहने देना, 5 तो 5 प्लस, मतलब इस दोनों का आप इधर करके बना के लेना, ये आप लोगों का क्या हो गया, IW हो गया, ठीक है, दिमाग खुलेगा इसे में। अच्छा प्लस है इधर बराबर, ये देखो बराबर है, सब जितना भी है ना उसको इधर बुला लीजिए, प्लस है तो इधर माइनस दे दीजिए, ठीक है, अच्छा 25, ठीक है। और नहीं तो अभी अगर नहीं दोगे ना माइनस, अब यहाँ पे वो काम करो, देखो यहाँ पे या तो दे दो या तो सबको इधर बुला लो बराबर के इधर, नहीं अगर नहीं करना है तो देखो कभी ना कभी करना ही पड़ेगा, तो मैं अब ये कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इधर माइनस, ठीक है, इसको ऐसे करके उतार दो, फिर यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 3 sin a, अच्छा तो बराबर क्या दे दो, 0 दे दो, इतना तो पता है। क्या किया मैंने, मैं अभी यहाँ पे रुक भी सकता था, ठीक है, हमको एक लेन में कुछ करना था, इसका फॉर्मूला हमको क्रिएट करना था, इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है, बाद में करूँगा। तो यहाँ पे दो तरीका बन जाएगा, या तो इसका फॉर्मूला हम लगा देंगे 1 - sin² a, ठीक है, बाद में करेंगे, कभी कभी करना था, मैं अभी ये कर दिया, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर उतार दिया, प्लस है बराबर इधर दे दिया, तो देखिए माइनस आ गया, प्लस है ये देखिए यहाँ पर हम दे देते हूँ, ये समझो ऐसे करके रुकिएगा तब ना, अच्छा छोड़िए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो है ना ये ढक्कन, ठीक है, कैप, तो ये क्या किया, 25 है ना, कैप के इधर आ गया, तो इसका साइन बदला, देखिए माइनस आ गया, फिर प्लस 9 भी है, कैप के इधर आ गया, कैप को क्या माने अपने लोग, इक्वल माने, बराबर माने, तो ये भी देखो साइन बदल गया, फिर ये वाला भी इधर आया तो साइन क्या हो गया, बदल गया, तो बराबर 0 दिए, तो इसी को क्या पता ट्रांसपोजिशन या शिफ्टिंग, मैंने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं लिखे, फिर दोबारा आप लोग अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो प्लस बराबर के इधर चला गया तो माइनस, प्लस बराबर के इधर चला गया तो माइनस, फिर माइनस बराबर के इधर चला गया तो प्लस, ऐसे करके। अच्छा फिर यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक नज़र मारिए, ठीक है, क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन में किसका मान निकालना है, साइन है, तो जिसका मान निकालने का रहेगा ना उसको आपको टच नहीं करना है, बात समझे ना। अब देखिए यहीं पर अगर कोस ए बोलता, साइन ए बोलता, अगर साइन ए बोलता है, ठीक है, तो समझिए आप इसमें करेंट है, इसमें क्या है, करंट है, इसको आपको ऐसे करके नहीं छूना है, ठीक है, समझिए इसमें करंट है, ऐसे करके, ठीक है, इसमें करंट है, इसको नहीं छूना है, इसको भी नहीं छूना है, इसको छूना है, क्योंकि आपको बोल रहा है साइन ए को, साइन ए का मान निकालने के लिए, तो ये तो पहले से हाई है, तो इसको आप टच क्यों करेंगे, ये भी पहले से हाई है तो इसको टच क्यों करेंगे, ये नहीं है तो इसको आपको बदलना है, बात समझे। अगर इसी का आप उल्टा कर दो, अगर यहाँ पे कोसे बोलता, ठीक है, तब किसमें करंट रहता, ठीक है, तब इसमें करंट रहेगा, तब इसको आप ऐसे करके जो छूते तो आपको करंट लगता है, एकदम झनका देता, तो इसको आप नहीं छूए, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, तो आप इसको नहीं छूते, इन दोनों को छूते, ठीक है, फिलहाल में अभी मैं इसको छूँगा, क्योंकि हमको साइन ए का मान निकालना है, इसलिए मैं इसको छूँगा, तो अब 16 है। अच्छा अब यहाँ पे गुना है, तो एक चीज़ मैं हर एक वीडियो में लगभग बताता हूँ, जब जब आता है तब तक, करने का मतलब कि गुना और घटा वाले के बाद में कोष्ठ में दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे गुना है, अब ऐसे वाला गुना दो, ऐसे वाला गुना दो, एक ही बात है, तो गुना दे दो, कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - sin² a, होता है कि नहीं होता है,
अच्छा माइनस से माइनस इसको चुपचाप से करके क्या करो उतार दो। अच्छा उतार दिया, गुना वाले के बाद में कोष्ठ में दीजिएगा। अच्छा अब देखिए, फिर देखो प्लस और प्लस प्लस 16 को एक से करेंगे तो 16 छठा सतमा का यहाँ से आ गया, प्लस और माइनस माइनस 16 को साइन स्क्वायर से करेंगे तो 16 साइन स्क्वायर है। ठीक है अब इसको चुपचाप से करके उतार दो, 25 घटे 16 9 साइन स्क्वायर है, क्या किया मैंने 16 को स्क्वायर था बराबर, तो मैंने क्या किया बराबर का इधर का जितना भी चीज़ था ना, ये वाला जितना भी चीज़ था ना, इस सब को मैंने बराबर के इधर बुला लिया, बोला 25 बराबर के इधर आ जाओ तो आ गया, तो भाई साइन चेंज कर दिया। आप एक शहर से दूसरे जगह शहर जाते हो तो वेशभूषा तो थोड़ा बहुत तो ख्याल रखते हो ना, वेशभूषा का चेंज तो हो जाता है ना। ठीक है तो 25 है बराबर के इधर चला गया तो माइनस हो गया, क्योंकि ये इस शहर के इस साइड है, शहर के इस साइड उसको आना है, मतलब दूसरे शहर में आना है, तो ये थोड़ा चेंज ला लिया अपने आप में, तो प्लस बराबर के इधर गया माइनस, प्लस बराबर के इधर गया तो माइनस, माइनस इधर गया तो प्लस, साइन में उल्टा पुल्टा हो गया। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ट्रांसपोजिशन, स्थानपन, स्थानांतरण, पंचांतरण, स्थानपन, बहुत सारा नाम है। अच्छा फिर मैंने क्या किया, इसका मैंने सोचा कि इसमें तो करंट नहीं है, इसमें करंट है क्योंकि इसका मान निकालना है, इसमें भी करंट है तो पहले से साइन साइन हेबे है, तो मैंने सोचा इस दोनों को छूना, छूने से करंट लगेगा, तो मैंने नहीं छुआ, मैंने सोचा इसको छूता हूँ क्योंकि तो नहीं बदला है साइन में, तो फिर मैंने इसका इसका फॉर्मूला लगा दिया, फिर मैंने सोचा गुना के बाद का कोष्ठ में होगा तो मैंने ब्रैकेट में कोष्ठ में दे दिया, कोई भी कोष्ठ दे सकते हो आपको दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने गुना किया 16 को 100 गुना किया तो 16, प्लस साइन का भी ख्याल रखा, प्लस 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 16 को 100 किया तो 16, प्लस माइनस माइनस 16 को साइन स्क्वायर से किया तो 16 साइन स्क्वायर, फिर मैंने जस का था वहीं कर वहीं उतार दिया, यहाँ देखो दिक्कत। अच्छा अब देखिए इसके आगे, यहाँ से आगे देखिए, देखिए पहले इसको एक बार देख लो अच्छा से, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, अब मैं आगे मैं क्या 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 करूँगा इसके आगे, मैं ये कॉपी में बता देता हूँ, देखिए यहाँ देखो दिक्कत। अब देखिए आगे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं आगे कि यहाँ पे आपका मर्जी, अंक को आप एक जगह करो, स्क्वायर वाला को एक जगह करो, तो मैं क्या करूँगा इसके आगे कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन आप खुद सोचो यहाँ पर देख के आपको हल्का फुल्का आरोही अवरोही क्रम में सजा लेना अच्छा रहेगा। ठीक है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे ज़्यादा पावर वाला को पहले लिख लेता हूँ, इसको आप कुछ भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंक को 16 25 को भी एक जगह कर सकते हो, सब कुछ भी कर सकते हो। ठीक है लेकिन थोड़ा सजा लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। 16 साइन स्क्वायर है, फिर माइनस 9 साइन स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा फिर 30 साइन है, आरोही या अवरोही में सजा देना है, दैट मीन्स एसेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम घटते क्रम में सजा लेना है। अच्छा प्लस 16 हो गया, माइनस 25 हो गया, बराबर 0, सजा लिया मैंने। ठीक है अब कैसे सजाया, 16 साइन स्क्वायर है, देखो यहाँ पे उतार दिया, साइन भी लेना है, साइन जो होता है ना छाया होता है, सिर होता है, आप जहाँ जहाँ जाते हो तो आपका छाया भी ना जाता है कि आपके छाया को घर पे छोड़ के जाते हो, नहीं ना, उसी तरह जहाँ पे डिजिट होता है वहाँ पे साइन भी लेंगे, तो इस साइन का भी ख्याल रखेंगे, उतार दिए। फिर यहाँ पे देखिए इसका जोड़ीदार यहाँ है, देखिए इसका इसका पावर स्क्वायर है ना, इसका पावर है ना स्क्वायर, मतलब इसका पावर क्या चीज़ में है, स्क्वायर में, और कहाँ पर है स्क्वायर, यहाँ भी है, तो इस दोनों को हमने क्या किया उतार लिया। ठीक है फिर मैंने सोचा दो है तो अभी सर अभी तुरंत बताए हैं, ठीक है कि इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में कर दो, तो मैं बड़ा वाला बड़ा भाई को पहले लिखा, ठीक है तो बड़ा भाई, उसके बाद छोटा, तो एक देंगे तो एक वाला कहाँ यहाँ है, तो मैंने यहाँ पे उतार लिया। फिर मैंने सोचा जीरो वाला को, अब लेंगे सर जीरो कहाँ लिखा है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट है, देखो इसका भी क्या है है ना जीरो, इसका भी पावर होता है जीरो होता है, देखिए क्या होता है कि अगर मान लो ये 5x² हो गया जो 3x हो गया, ठीक है मान लो कुछ को मान लो 7 मान लो, तो देखिए 2 है ना ये 1 है ना, तो यहाँ पे 0 होता है, बोलेंगे सर 0 कहाँ है, तो देखिए 0 हो गया ही 7x⁻⁰ डिग्री डिग्री, और 1 डिग्री बराबर यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, देखिए होता है ना तो 2 है 1 है तो यहाँ पे 0 है, आप बोलेंगे 0 कहाँ है, इसको उतार दिए इसको उतार दिए इसको उतार दिए 7x⁻⁰ तब ना ये डिग्री बराबर 1 होता है। आप देखिए इसको तोड़ो, तो इसको तोड़ोगे तो ये ऊपर एक आ गया, इसको तोड़ोगे तो ऊपर एक आ गया, ठीक है
और सात एक्स का डिग्री, सात एक्स का पावर जीरो यानी कि डिग्री, तो सात दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, ठीक है, और एक्स डिग्री तो एक तो बना सात, तो इस तरीका से होता है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो, मैंने सोचा एकदम अच्छा से बन गया, दो दो है और एक है, जीरो है, अलग कर दिया। फिर मैंने सोचा दोनों एक जाते हैं तो मैंने जोड़ना है, तो माइनस और माइनस प्लस, सोलह ना कितना हो गया, पच्चीस एन स्क्वायर। अच्छा पच्चीस एन स्क्वायर, दोनों में से बड़का कौन है, सोलह का चिन्ह माइनस है तो माइनस दे देंगे। अच्छा फिर यहाँ पे प्लस क्या दे देंगे, प्लस तीस एन दे देंगे, क्योंकि उसका जोड़ीदार नहीं है, उतार देंगे। अब दोनों अलग अलग हो गया ना, तो नहीं ना जुड़ेगा, घटेगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दो है यहाँ पे एक है, तो नहीं उड़ता, एक जा तो रहेगा, एक जैसा रहेगा तब, मतलब मेरे कहने का मतलब है एक जैसा रहना चाहिए, दो है तो दो है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस, सोलह ना पच्चीस एन स्क्वायर, दोनों में से बड़ा बड़ा कौन है, सोलह का चिन्ह माइनस देती है, ये इसका नहीं है जुड़ेदार तो उतार दिए। फिर यहाँ पे देखो ये प्लस है और माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, या माइनस सोलह से माइनस बात बराबर हुआ, पच्चीस में से सोलह गया तो सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस, ठीक है, पच्चीस में से सोलह गया तो कितना बचेगा, नौ बचेगा, तो यहाँ पे नौ दे देंगे, दोनों से बड़ा कौन है, पच्चीस है, तो पच्चीस का सिन क्या, माइनस है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, माइनस बराबर जीरो हुआ ना, प्लस माइनस माइनस, पच्चीस में से सोलह गया तो नौ, दोनों में से बड़ा कौन है, पच्चीस का चिन्ह माइनस, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसके आगे देखिए, फिर मैंने सोचा कि ये कुछ जमा नहीं, ठीक है, मैंने सोचा इसको ये कुछ जमा नहीं, अब इसके आगे आप अपना हल करो, फैक्टर लगाओ, ठीक है, तीसरा पद को पहला पद से गुना करो, नाइन्थ में पढ़े होंगे, इसको आप ऐसे करके सेटिंग कर दो, देखो यहाँ पे आप इसको माइनस पच्चीस साइन स्क्वायर है तो समझ लो इसको एक्स स्क्वायर है, प्लस तीस एक्स घटन, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, इस पर इसको सेटिंग कर दो, नहीं पढ़े थे त्रिपद फैक्टर, ठीक है, कि तीसरा पद पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तीसरा पद को पहला पद से गुना करते हैं, उसको दो जगह तोड़ते हैं कि घटा हुआ है तो घटाने पर तीस आना चाहिए, गुना गुना करने पर इसको इसको गुना करेंगे वही आना चाहिए, उस हिसाब से आप बना सकते हो, ये भी आपका जब हो गया। आपको अगर नहीं आता है तो मैं पिछला वीडियो में दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है, आप समझिए, आपका कोई गाँव है, ठीक है, मान लीजिए आप मान लो समझाने के लिए कहते हैं आप कोई एक्स गांव में रहते हो, कोई भी गांव में रहते हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा सुख सुविधा है, यानी कि समोसा मान लीजिए वहाँ पे समोसा बिकता है, तो आप दूसरे गांव में जाओगे खरीदने के लिए, नहीं जाओगे, कहने का मतलब जो नज़दीक में आपका सुख सुविधा है एकदम अच्छा है, तो आप उतना मेहनत क्यों करोगे, एक गाँव से दूसरे गाँव क्यों जाओगे जब आपके पास सुविधा है, तो मेरे कहने का मतलब है हम उतना दिमाग कहे लगाएंगे कि इसको इससे गुना करो, दो जगह बांटो, फालतू वाला दिमाग क्यों लगाएंगे, हालांकि आंसर तो मिलवे करेगा, ठीक है, लेकिन देखो समोसा तो दूसरे गांव में भी मिलेगा, हम क्यों जाएंगे, जब हमको मेरा गांव में नहीं मिलेगा तब ना हम जाएंगे दूसरे के गांव, लोग बाहर कमाने के लिए क्यों जाता है, क्योंकि गांव में उतना आमदनी नहीं होता है, उतना पैसा का आमदनी नहीं होता है, इसलिए लोग बाहर जाता है कमाने के लिए, कोई ना आपको दो लाख रुपया महीना देगा, ठीक है, तो आप बाहर क्यों जाओगे, दुनिया का कोई भी आदमी क्यों जाएगा बाहर, कोई में बोलेगा ठीक है आप बैठिए फलाना काम कीजिए हम आपको दस लाख रुपया देते हैं, कोई नहीं जाएगा, पूरा शहर खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, आप कहीं पर क्यों जाते हो, जब आपको दिक्कत होगा तभी जाते हो, तो इस तरीका से आपका बना कब बनाते, जब आपका आसानी वाला नहीं होगा तब, तो एकदम इजी तरीका से मैं अभी बता दूंगा, तो ये फालतू तरीका क्यों बताइए, क्यों बनाओगे, इतना मेहनत क्यों करोगे, उसको उसको गुना करके दो जगह तोड़ के, जोड़ है तो जोड़ने पर, घटा हुआ है तो घटाने पर, तीस आना चाहिए गुना करने पर, उतना लेंदी क्यों करोगे, आसानी से बनाओ, देखो तो आसानी से कैसे बनेगा, कॉमन ले लो माइनस, ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में दे दो, पच्चीस है पच्चीस है पाँच, इसको उतार दो, ठीक है, माइनस दे दो या तो प्लस दे दो, नौ दे दो, बराबर जीरो। अच्छा अब देखिए यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन लिया ना, तो इस सब के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा ना, यानी कि चिन्ह में अदला बदल हो जाएगा, अब इसको तोड़िए ऊपर का गया तभी सवाल सही नहीं तो गलत, इन्हें कि अब बनाते जो है ऐसे करके मतलब आगे बढ़ रहे हो, फिर पता चला इसको तोड़ के ऊपर का आया ही नहीं तो गलत हो जाएगा, समझे ना बात, मतलब आप जो जो लेन कीजिएगा ना उसको तोड़ के ऊपर करना चाहिए, आप मतलब बना रहे हो लेकिन आपको जब पता चला कि इसको तोड़ के ऊपर का आया ही नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, देखिए मेरा आ गया माइनस प्लस माइनस, देखिए आ गया ये वाला आ गया ना माइनस माइनस प्लस, देखिए ये वाला भी आ गया माइनस प्लस माइनस, ये वाला भी आ गया, ठीक है, एक छुपा हुआ है, एक दो 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 नहीं दो नहीं दो, एक छुपा हुआ है, ठीक है, एक छुपा हुआ था यहाँ पे, आप नहीं भी दोगे तो चल भी करेगा कोई दिक्कत, अब ऐसे लिखते हो तो एक छुपा रहता है ना, इस तरीका से एक छुपा रहता है, अब देखिए अब इसको आप इसे करके सेटिंग करो, देखो माइनस है आप एक दो या नहीं दो, हम यहाँ पे देते यहाँ भी दे देते हैं, एक है अब यहाँ पे देखिए गुना है ना, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है तो गुना दिए, जितना भी चीज़ है उसको आप कुछ मान लो,
मैंने मान लिया x, ठीक है, बराबर जीरो। अब x का जो मान निकालते हैं तो आप इक्वेशन आता है जीरो ऊपर जाता है, ये क्या आ जाता है नीचे, तो x का मान जीरो आता है। इस तरीके से आता है कि नहीं आता है, आता है ना, बात समझे ना, इस तरीके से आप सीखे हो ना। तो x बराबर जीरो होता है तो x का मान क्या होता है, जीरो ऊपर में तो नीचे भाग करेंगे तो जीरो होगा, जीरो को किसी भी संख्या से भाग करते जीरो होता है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करो, उतार दो, ऊपर में जीरो रहता है नीचे हम कुछ भी रहता है, अरबों खरबों कुछ भी रहता है, तो जीरो आता है रिजल्ट। पता है आप लोगों को जीरो बटा कुछ भी रहेगा, कुछ भी जीरो बटा कुछ भी रहेगा, कुछ भी वहाँ यहाँ पे तो जीरो भी होगा। ये हो गया, इसको उतार दो। अब बताओ जीरो पर गया, ये माइनस क्या किया नीचे, अब एक भी दे दो तो एक भी दे दो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप सॉल्व कर भी मार सकते हो, ठीक है। इतना टाइम लेके आपको नहीं बनाना है कि आधा घंटा घटना में एक ही सवाल में आप अटके रहोगे, और 3 मिनट बहुत हो गया इस सब सवाल में, 3 मिनट अब बहुत ज़्यादा भी गया, कितना भी हाथ धीरे धीरे चलता था, 5 मिनट तो हद से ज़्यादा हो गया। मैं आपको अच्छा से खोइचा चुरा चुरा के प्याज के छिलका जैसा बताता हूँ एकदम सुंदर से, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ एकदम बढ़िया से, हमको कौन एग्जाम देने जाना है, लेकिन आप लोग को तो एग्जाम में बैठना है, एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप लोग एकदम जल्दी 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 मतलब कलम तोड़ के लिखना है, ठीक है। 3 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा, ठीक है, बहुत मतलब क्या बोले, हद से ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा आप कमज़ोर स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो, तो 5 मिनट का तो बातें छोड़िए, वो तो लेटेस्ट हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाइएस्ट हो गया, 5 मिनट तो लगाना भी नहीं है, ये उतार देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ लेक्चर दे दे के एकदम अच्छा से, तो इसलिए मैं आधा आधा घंटा तक 20-20 मिनट तक मेरा लग जाएगा, ये हो गया। अच्छा आपको थोड़ी समझाने करेगा, आपको तो कॉपी में बना देगा, टीचर खुद से समझ लेंगे, ये वाला होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा किया, ठीक है, ऐसे कैसे किया मैंने, इसको अभी मैंने क्या बोला कि एक्स मान लो, तो ऐसे कर ऊपर गया ना, तो ऊपर गया, ये क्या गया, नीचे आ गया, इस तरह से। अब देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था ना, इसको इसको क्यू गुना करेंगे ना, सॉल्व करने में बन जाएगा। देखिए इसको मैं सेटिंग करूँगा 5 sin a, ठीक है, इसको ऐसे कर सेटिंग करूँगा a² - 2, आई पीछे से छोड़ी करूँगा, क्योंकि फार्मूला में जो होता है, यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो होता है a² - 2ab + b², ठीक है, इस तरीका से मैं इस पर सेटिंग करूँगा। तो a यहाँ पे है तो यहाँ भी तो a ही नहीं रहता है, दूसरा से थोड़ी आ जाता है, ये दोनों एक ही रहता है ना, बी बी, और यहाँ पे a एक ही होता है ना, इस तरीका से मैं इस पर इसी को सेटिंग करूँगा a, तो ये तो पीछे से चोरी करूँगा, यही वाला 5 sin a 2a, अब b, तो b देखिए b कहाँ था इसमें, b तो b कहाँ से, यहाँ से था, देखो a² - 2ab + b², तो b यहाँ पे है, तो ये वाला भी किसके साथ मिलना है, इसके साथ, इसका देखिए स्क्वायर वाला के साथ, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला के साथ 9 है, तो आप बोलेंगे सर इसका तो स्क्वायर नहीं किया है, आप नहीं किया है तो आप करोगे, आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो स्क्वायर है, आप स्क्वायर नहीं किया तो आप करोगे, तो 9 का 3 स्क्वायर होगा ना, तो आप समझो यहाँ पे 9 है या 3 स्क्वायर है, तो बात तो बराबर हुआ ना, ठीक है, घसना नहीं है इतना, तो आप यहाँ पे 3 दे दो + 3 स्क्वायर बराबर क्या दे दो, 0 दे दो। अब इसको देखो सेटिंग कर लिया आप, इतना नहीं, आपको ऐसे ऐसे नहीं देना है, मैंने पहले भी बताया था आपको, हम उसे समझा रहे हैं, तो स्क्वायर पर सेटिंग हो गया 2 हो गया, और ये a हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया, फिर यहाँ पे ही b² हो गया, तो डिटो एकदम फोटो से जैसा मिल गया ना, a² - 2ab + b² पर। और मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ बताया है और बराबर बताता रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और हर एक वीडियो में मैं खासकर बताता हूँ, मेरा फेवरेट डायलॉग, मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फ़र्क ना पड़े, कुछ भी करे फ़र्क ना पड़े, तो आप जो ये लेन बना दिए हो, ठीक है, फिर आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, अपने आप यहाँ पे रुको, देखो इसको तोड़ के ऊपर का आता है कि नहीं आता है, तभी आपका सवाल सही है, नहीं तो गलत है, तो गलत हो जाएगा। तो देखिए अपने तोड़िए इसको, ऊपर का आता है कि नहीं आता है, 25 5 को दोबारा लिखेंगे तो 25, sin a को दोबारा लिखेंगे तो sin स्क्वायर, माइनस माइनस, ठीक है, फिर इसको तोड़ो, इतना को ये वाला को तोड़ो, तो 2 × 5 = 10, 10 × 30 sin, वेरी गुड, प्लस तो प्लस, 3 को दोबारा लिखेंगे तो 9। अब ठीक है, अब आपको हक है कि आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे, यहाँ देखो अब क्या था, यहाँ पे, यहाँ इधर देख लो, a² - 2ab + b², तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a - b² यहाँ से आपने a उठाया और b, तो एक ही हुआ ना, यहाँ लो यहाँ लो, तो ये दोनों तो बराबर ही होता है, और ये वाला से आपने b उठाया, तो इसका फॉर्मूला ये हुआ, इसका ये हुआ, इसको सेटिंग करो इस पर, देखो अब a - b² तो एक जगह पर ये वाला रहेगा तो ये देंगे, लेकिन एक जगह पर इतना है, ये वाला लिखो ये वाला देखो, एक ही मिलना चाहिए ना ये। अच्छा तो ये अब ये दो दे दो, 5 sin a a - b
टू ए बी, तो बी की जगह पर तीन है, यहाँ भी तीन है, एक ही रंग रहता है, पते है ये, इसका और उसका बराबर छीटो है ना। यहाँ पे ए आपको ये सब नहीं देना है, ए बी सब, ए माने बी का क्या हो गया और उसका, ये सब आपको नहीं देना है, ठीक है, समझाने के लिए दिए थे काट दे रहे, ये सब आपको नहीं देना है, समझाने के लिए दिए थे ए माने बी का, अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं उतना घसना है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से आगे आगे जी है, यहाँ से आगे क्या करो, पाँच सैने तीन बराबर क्या करो, ये जीरो, ये स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आएगा यहाँ पे, तो पता है ना ये वाला रूल, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर चार होता है, तो एक्स ये स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, रूट होता है, और यहाँ पे ये प्लस वाला छुपा रहता है वो तो आपको पता है, ठीक है, ऐसे करके ये यहाँ पे दो छुपा होता है, इसी तरीके से ऐसे रहेगा, तीन रहेगा तो यहाँ पे ये यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा गलत गड़बड़ा गया, एक्स का पावर तीन, यहाँ पे मान लीजिए आठ रहेगा तो एक्स रहेगा आठ, तो ये ऐसे दे देंगे, ये तीन यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अच्छा अब देखो, बराबर पाँच साइन घटे तीन, यानी कि घटो तीन, जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो होता है, नहीं होता है, ये जीरो दो है छुपा हुआ, देखिए क्या होता है, तीन में अगर क्यूब रूट बोलेगा तब तो आपको तीन देना पड़ेगा, ठीक है, तीन बोलेगा कि नहीं भी आते तीन है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है, नहीं है तो दो ही है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर हुआ, लेकिन फिर से बताता हूँ, आप इसको ऐसे लिखो और मतलब या, ठीक है, या ऐसे लिखो, बात बराबर हुआ, ये छुपा हुआ है, लेकिन तीन में नहीं, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, नहीं इसमें गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है, ई केवल किसके लिए लागू होता है, वैलिड है टू के लिए, टू यहाँ भी है यहाँ भी है, यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे आपने दे दिया, तो दोनों में से दोनों सही है इस हिसाब से, तो कन्फ्यूज नहीं करना है। अच्छा फिर देखिए, हाँ तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, आप जीरो को क्या लिख सकते हो, जीरो गुने जीरो, तो क्या होता है, दो को जीरो है तो जोड़ा लगेगा, पेयर लगेगा, एक जीरो निकलेगा, होता है ना वर्गमूल, नौ हुआ तो नौ का क्या, देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है, मतलब दो छुपा हुआ ना, तो नौ का क्या होता है, तीन गुने तीन, तो दो को तीन है, एक को तीन हो गया इस हिसाब से, ठीक है, ये हो गया। फिर देखियो अब यहाँ से आगे तो बन ही जाएगा आपको, शैन है बराबर जीरो माइनस इधर गया तो क्या हो गया, प्लस तीन, वही घिजले पिटले बात, ट्रांसपोजिशन, ठीक है। अब कितना पर्सन क्या करते हैं, ये जीरो में तीन नहीं जोड़ते हैं तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट मार देती हूँ, तो आपको वो ही करिएगा, हम बोले ना आपको बार बार, हम अच्छा से बता रहे हैं, इसलिए जीरो को तीन से करेंगे तो तीन, आप क्या करो ये लाइन को हटा दो, ये लाइन को हटा दो, अब क्या किया पाँच साइन दे दिए बराबर, तो बराबर माइनस इधर गया तो तीन, अब जीरो क्यों नहीं दिया, क्योंकि देखिए फर्क तो नहीं पड़ा, जीरो तीन तो जीरो तीन ही हुआ था, इसलिए आप देखिए, इसलिए सैने, अब सैने का मान क्या हो गया, तीन बट्टा पाँच हो गया आंसर, इसको आप बोल्ड कर दीजिए, गरेबा में घेर दीजिए, यानी कि डब्बा में रेक्टेंगुलर टाइप का बना के भर दीजिए। अब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट होगा तो लिख दीजिए हिंदी मीडियम में या अंग्रेजी मीडियम में, अतः इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा तो लिख दीजिए हेंस या सो द वैल्यू ऑफ साइन इक्वल टू थ्री बाय फाइव, ये लिख दीजिए आप आंसर, द वैल्यू ऑफ साइन इक्वल टू थ्री बाय फाइव, हिंदी मीडियम में जो रहेगा लड़का वो लिखेगा अतः साइन ए का मान तीन बटा पाँच होगा, ठीक है, बोल्ड कर दीजिए, बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा दोहरा पेन चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सदावट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने आपको सामान बना के दे दिया, आप इसको सजावट करते रहिए, ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ याद रखिएगा, जल्दी बनाना है, ठीक है, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं उसके लिए तीन मिनट आप एक ही सेकेंड में बना लीजिए तो वो तो एक अलग चीज़ हुआ, ठीक है, लेकिन अगर एवरेज मान के चलिए तो तीन मिनट, जो वीक स्टूडेंट है उसके लिए पाँच मिनट, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा ये देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताता हूँ, इसके आगे जो है ना, इसके आगे मैं थोड़ा और एक चीज़ बता देता हूँ, सेकेंड मेथड देखिए कहाँ पर बताऊँ, यहाँ पे बताता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ, फाइव सैने क्या था, सैने घटे थ्री था ना, थ्री था, थ्री का उसका था बराबर जीरो, अब यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो, फाइव सैने घटे थ्री स्क्वायर, अब जीरो का भी स्क्वायर कर सकते हो तो कोई तो दिक्कत है नहीं, तब ये स्क्वायर उसका स्क्वायर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हो, पाँच सैने इसके आगे तो वही वाला बात होगा, यानी कि ऐसे भी देखो, पहला तो चारा था स्क्वायर को इधर करके ढूंढ दे देंगे ऐसे करके, ये मैंने बता चुका, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसको चार को ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हुआ ना, कोई गलती थोड़ी की, दो को दो बार पढ़ेंगे तो चार ही नहीं होगा, फिर दोनों कट गया तो एक्स का मान दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है,
तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर सब्सक्राइब कर दिए तब तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आप लोगों को चैनल को ग्रो करवाइए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, सबको मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए चैनल से जुड़ने का। और साथ ही साथ आप किस वीडियो को देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये 97088445466, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप है 9708845466। आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है, ठीक है, 7th, 8th, 9th, 10th, किस टॉपिक पर आपको पढ़ना है वो आप हमें करिएगा। 11th और 12th में तब लेके आऊँगा जब आप लोग के दुआ से 500 सब्सक्राइबर पुर जाएगा। 500 सब्सक्राइबर जब ही हुआ तभी मैं 11th और 12th का मैथमेटिक्स लाऊँगा। अभी फ़िलहाल में 10th या 10th के अंदर तक का कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी क्लास का लेक्चर चाहिए, ठीक है, तो आप हमें क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट नए हैं और इस चैनल को से नहीं जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उससे विनम्र अनुरोध है, हम्बली रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो भी आपका नेटवर्क है फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को फैलाइए। और आप हमें कमेंट कीजिए और सजेस्ट कीजिए कि हाँ सर आपका बताने का ये नहीं, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं से, मतलब आप हमें सजेस्ट कीजिए तो हमको भी मोटिवेट मिलेगा। हम भी देखिए अपना दही को तो कोई खट्टा कहेगा नहीं, अब हम तो चाहते हैं हम बहुत अच्छा बताते हैं, ठीक है, अपना हर टीचर समझता है कि वो एकदम परफेक्ट है, वो जो बताता है वही सही है, तो ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग डिसाइड करेंगे कि मैं बताता हूँ तो किस रेंज का बताता हूँ, अच्छा बताता हूँ कि खराब बताता हूँ, आप दोनों में आप हमें सपोर्ट कीजिए। खराब बताता हूँ फिर भी आप बोले सर नहीं सर आपका एकदम बेकार रहता है, आप अच्छा नहीं बताते हैं, तो मैं भी समझूंगा कि हाँ मैं भी गलत फहमी से बाहर निकलूंगा, बोलेगा हाँ चलो ठीक है तो और अच्छा से बताऊँगा, नहीं तो अच्छा बताता हूँ तब तो बहुत बहुत धन्यवाद, तब तो और अच्छा से मैं बताऊँगा। तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सपोर्ट कीजिए चैनल को और जल्द से जल्द चैनल को ग्रो करवाइए। आप हैं तभी हम हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।